गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल गुड। सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ड्राइंग में थ्रेड पेंटिंग बताऊंगी, लेकिन ये पुरानी वाली पेंटिंग नहीं है, क्योंकि वो सिंपल वाली पेंटिंग मैंने आपको बता दी है। आज मैं जो बताऊंगी वो बनेगी धागे से ही, और उसमें वाटर कलर ही लगेगा, लेकिन ट्रिक उसकी दूसरी होगी और डिजाइन दूसरी होगी। ठीक है, तो आपको मैं दूसरी तरीके से बताऊंगी, वरना कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि मैम कितनी बार बताएंगी, तो मैम बता चुकी हैं, तो मैं वो पुराना वाला नहीं बता रही, मैं नया वाला बता रही हूँ। थोड़ा सा इसका ट्रिक जो है वो दूसरी तरीके से है। ठीक है, तो उसके लिए आपको बस नीड वही चीजों की है जो सिंपल से थ्रेड पेंटिंग में हम लोगों को होती थी। ठीक है, वही हमें चाहिए, क्योंकि उससे अलग ना तो उसमें कोई चीज लगने वाली हो, ना इससे ज्यादा कुछ हमें चाहिए। चलिए, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि इनमें धागे का यूज हम कैसे करेंगे। तो ये है धागा, थ्रेड। ठीक है, और हम सिंपल वाला वाटर कलर यूज करेंगे, जो हर पेंटिंग में ज्यादा से ज्यादा हमने यूज किया है, और ज्यादा से ज्यादा आपको इसी से बताने की कोशिश की है, क्योंकि ये कलर है जो आप सबको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी आपके बहाने नहीं चलने वाले कि मैं जो कलर आप यूज करती हैं वो कलर हमारे पास है नहीं। तो इस वजह से मैं नॉर्मल कलर से आपको सारी पेंटिंग बताती हूँ, कोशिश यही करती हूँ कि आपको वो सारी चीजें अवेलेबल हो पाए जो चीजों से हम आपको सिखाएं। तो इस वजह से मैं कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा या कोई भी चीज़ अलग से यूज़ नहीं करती हूँ। तो आपको मैं दिखा दे रही हूँ कि आपको वाटर कलर और थ्रेड की नीड है, और जो आपके सामने है। ठीक है, तो आपको करना बस यही है कि आपको, मैंने देखिए यहाँ पे थ्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर रखा है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने इसको पहले से ही कट कर रखा, तो आपको बस ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में थ्रेड को कट कर लेना है। ओके, देखिए 4, 5 एंड 6, 6, 7 अभी काउंटिंग मैंने नहीं की है, बट 6, 7 आपको कट कर लेना है, बिकॉज जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐड भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, एज योर विश। तो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि धागे की जो कटिंग है वो मैं काउंटिंग आपको परफेक्टली नहीं बता सकती, बिकॉज हमने खुद नहीं उसको काउंट करके। चीज़ें ऐसी हैं जो आप बाद में उसको ऐड भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वाटर कलर का नीड है जो मैंने आपको दिखा दिया, एंड थ्रेड का। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, पहले आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर आप इसको बनाने की कोशिश करिएगा। तो इसमें दोनों में चीज़ों में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको ना मिल पाए, सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं इजिली। तो आपको ऐसे ऐसे थ्रेड रखने हैं कॉपी में, आई थिंक आप दिख रहा होगा इजिली, तो ऐसे ही आपको रखना हुआ होगा कॉपी पे। देखिए ऐसे साइड साइड से नीचे कॉपी के अकॉर्डिंग आपको गैपिंग करनी है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको ज्यादा कम करना है, तो आप उसको बाद में भी उस चीज को पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं दे रहे हैं हम आपको कि नहीं इतने ही धागे से आपको बनाना है। मैं सोचती हूँ कोई भी चीज़ आपको ऐसी ना लगे कि आप उसके वजह से चीज़ों को छोड़ दें, इतना आपको कहाँ से मिलेगा, इतना आप कहाँ से कर पाओगे, तो वो चीज़ें हम नहीं चाहते। अब यहाँ पे मैंने 6 कट किया हुआ था, बट मैं आपको 4 से ही बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि पेज की लेंथ के अकॉर्डिंग भी हमको चलना है, उसके लेंथ को भी देखना है कि हम ज़्यादा ज़्यादा धागा रख देंगे तो हमें खींचने में प्रॉब्लम होगी, और कलर बाहर जाएगा, डिज़ाइन भी परफेक्टली नहीं आएगा। इस वजह से हमें कागज़ को भी ध्यान में रखना, और उसकी लेंथ, उसकी क्वालिटीज़ को भी ध्यान में रखना होगा। तो अब हम इस पे कलर लगाएंगे। और इसमें कलर का भी बाउंडेशन नहीं है बेटा, आप कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं।
आपको क्या करना है, आपने कलर लगा दिया है, इसमें थोड़ा सा आपको पानी लगाना है क्योंकि कलर थोड़ा सा होना चाहिए ना, इधर उधर होने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, कलर अगर मिक्स हो रहा है तो, पर पानी लगाना ज़रूरी है। ओके चलिए, अब इसको हम खींचते हैं अपनी तरफ। आप ईयरबड्स लीजिए या कुछ भी जो आपको समझ में आए कि जिससे खींच सकते हैं इसको, वो उसका यूज़ करिए। यहाँ ईयरबड्स का यूज कर रहे हैं तो हमको बीच में रखना है और इसको खींच लेना है। ओके देखिए ऐसे ही आपको बहुत, मतलब जितने भी आप उसमें धागे ऐड करेंगे, जितना उसमें कलर डार्क करेंगे, वो उसी के अकॉर्डिंग आपको कलर देगा। ठीक है, कम ज्यादा है तो वो आपकी मर्जी है। तो ये आपकी थ्रेड पेंडिंग बनी, बस उसी चीज़ से है जिससे हम पहले बनाते थे, बट ट्रिक दूसरी है। तो आप इस पर जितने ज़्यादा कलर ऐड करेंगे, जितने ज़्यादा कलर जिस क्वांटिटी में गिराएंगे, उसी अकॉर्डिंग ही आपका बनेगा। ओके, तो आपको जो चीज़ें ना समझ में आई होगी वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके।